और अब बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। 6 दशक तक रहे हिंदी पत्रकारिता के आदर्श, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। नवभारत टाइम्स और जनसत्ता के संपादक रहे हैं। श्याम आचार्य के निधन से पत्रकार जगत में शोक की लहर है। दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो साथ ही कई पत्र पत्रिकाओं में भी लेखन का काम किया है। श्याम आचार्य का रविवार को अंतिम संस्कार होगा। दुर्गापुरा के महारानी फॉर्म मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्याम आचार्य के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य का निधन हुआ है। कल अंतिम संस्कार होगा, दुर्गापुरा महारानी फार्म स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त करी है, साथ ही पत्रकार जगत में शोक की लहर है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य अब नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने साकेत हॉस्पिटल जयपुर में अंतिम सांस ली, लंबे समय से कैंसर रोग से पीड़ित थे। साकेत अस्पताल में इलाज के दौरान आज शाम 5:18 पर अंतिम सांस ली। पत्रकारिता जगत में कई पुरस्कारों से सम्मानित थे श्याम आचार्य। श्याम आचार्य ने पत्रकारिता जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, पत्रकारिता जगत में बड़ी क्षति से माना जा सकता है श्याम आचार्य 6 दशक से पत्रकार थे और वो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। इसलिए संघ से जुड़े हुए लोगों की एक समिति थी, संवाद समिति हिंदुस्तान समाचार, उसका काम देखते थे। उससे पहले शायद राजदूत और दूसरे अखबारों में भी रहे। हिंदुस्तान समाचार का जब आपातकाल के समय विलीनीकरण हुआ और समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, पीटीआई, यूएनआई को मिलाकर समाचार एक अलग संस्था बनाएगी, तो उसमें राजस्थान का काम वो देखते थे प्रवीण चंद छाबड़ा के साथ। उसके बाद वो नवभारत टाइम्स के संपादक रहे और जनसत्ता दिल्ली में सबसे बड़ा अखबार हो गया था एक समय जी, हिंदी का। प्रभाष जोशी जब संपादक थे तो श्याम आचार्य उसके समाचार संपादक थे जी। और वहां से फिर वो कलकत्ता में जनसत्ता के रेजिडेंट एडिटर बन के गए। कोलकाता में जो प्रवासी राजस्थानी है उनको हिंदी पत्रकारिता से जोड़ने का और जनसत्ता जोड़ने का बड़ा श्रेय जाता है उनको, उनको यूनाइट करने का भी बड़ा श्रेय जाता है। उसके बाद वे नवभारत टाइम्स में यहाँ राजस्थान में आए, नवभारत टाइम्स के राजस्थान संस्करण के संपादक रहे जी। और लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद वो दैनिक भास्कर में चुनाव के समय कॉलम लिखते थे, राजनीतिक अतीत की झरोखे में जाकर के झांक के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1952 से लेकर अब तक के चुनाव देखे थे, कवर किया था उनको, सुखाड़े जी का जमाना देखा था, तो उस समय के किस्से, कहानियां, बातें, उन सबको याद दिलाते थे वो अपने कॉलम में जी। और अंतिम समय तक बीमारी से भी जूझते रहे और पत्रकारिता भी करते रहे जी। उन्होंने कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं जी। और जुझारू पत्रकार के रूप में, संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में जी। और मिलनसार, मीठा बोलने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पत्रकारिता का एक बड़ा स्तंभ, राजस्थान की पत्रकारिता बड़ा स्तंभ चला गया आज जी। और अनफॉर्चुनेटली उनके बेटे भारत भूषण आचार्य जो नवभारत टाइम्स में संवाददाता थे, उनका निधन भी पहले ही हो चुका है। तो अपने बेटे की बीमारी से भी उन्होंने संघर्ष किया, अपनी पत्नी की बीमारी से भी संघर्ष किया, उनके छोटे बेटे की भी एक बीमारी है उससे भी वो संघर्ष करते जूझते रहे, सारा जीवन उनका संघर्ष में गुजरा। और पत्रकारिता में संघर्षशील रहकर, सच्चाई के साथ रहना, ईमानदारी के साथ रहना, और राजस्थान में संस्थागत पत्रकारिता जो हुई संस्थाओं में जी, उसको स्थापित करने में, संस्थापित करने में उनका बड़ा योगदान है। राजस्थान में अभी भी सैकड़ों पत्रकार ऐसे होंगे जो उन्होंने उनसे पत्रकारिता सीखी, उनके मार्गदर्शन में काम किया, अपना करियर बनाया जी। और पूरे पत्रकारिता जगत में ही नहीं बल्कि राजनेताओं के बीच भी उनका जबरदस्त सम्मान था। आज भी लोग जब वो दुनिया में नहीं रहे तो श्रद्धावनत होकर उन्हें याद कर रहे हैं जी। और हम भी उनको
पूरे पत्रकार जगत की ओर से, एवन टीवी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। जी, 1957 1958 से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, करीब 6 दशक से ज्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में वो रहे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से युवा पीढ़ी पत्रकारिता की ओर अग्रसर हो रही है, युवा पत्रकार हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, पत्रकारिता बहुत बदल गई है। उन्होंने साइकिल पर चलकर और 10 रुपए महीने की नौकरी से पत्रकारिता शुरू की थी। जी, आज छोटा सा पत्रकार भी पत्रकारिता शुरू करता है तो मोटरसाइकिल स्कूटर पे चलता है जी, और थोड़े समय में कार हो जाती है, मकान हो जाता है, जमीन अलॉट हो जाती है, मकान अलॉट हो जाते हैं। वो सुविधा का वक्त नहीं था, जो संघर्ष का वक्त था। पत्रकारिता एक मिशन थी और पत्रकारिता के जरिए लोग समाज को बदलने की, समाज को प्रेरणा देने की, समाज को रास्ता दिखाने की बात करते थे। उस जमाने की पत्रकारिता के प्रतीक थे, और बहुत थोड़े से लोग हैं जो आदित्यन्द्र चतुर्वेदी अब दुनिया में नहीं रहे जी, सांगी जी नहीं रहे, भंवर सुराणा नहीं रहे जी, और उसके बाद ये एक बड़ी क्षति हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब उस पीढ़ी के बहुत थोड़े से लोग हमारे बीच अब रह गए हैं। समय तो रहते नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, ताकि पता लगे पत्रकारिता के उच्च मानदंड क्या होते हैं और नैतिकता क्या होती है। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रधान संपादक अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने साझा की जानकारियां, पत्रकारिता जगत का एक पुरोधा वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य आज अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।